प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में संथाल हुल दिवस का किया जिक्र, पर्यावरण रक्षा पर दिया जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया प्रेरणादायक। हुल क्रांति दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज को दी कई योजनाओं की सौगात, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रेल सुविधाओं के विस्तार पर रांची में डीआरएम और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। यात्रियों को जल्द मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा। और राज्य के पूर्वी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में शिफ्ट हुआ चक्रवाती प्रवाह, 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। न्यूनतम तापमान में और होगी गिरावट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध विषयों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हुल क्रांति दिवस का भी जिक्र किया। 30 जून का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हुल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कानू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। वीर सिद्धो कानू ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों का जी जान से मुकाबला किया। और जानते हैं ये कब हुआ था? ये हुआ था 1855 में, यानी ये 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 साल पहले हुआ था। तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। हमारे संथाली भाई बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इस संघर्ष में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर सिद्धो और कानू शहीद हो गए। झारखंड की भूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। आइए सुनते हैं संथाली भाषा में इन्हें समर्पित एक गीत का अंश। सीधा कानू बोलो बुहा मनावे 29 जून जहाँ दिसमरिया मरण दो संताल हुलका संताल हुलदो आंदोड़ लेना इंग्रेज कानून भंगोड़ लेना जुमे बंजाओ एसपीटी एक लगोई ना जंगारे पैगान साड़ी कने। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण की रक्षा पर भी जोर दिया कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है, तो आप जरूर कहेंगे माँ। हम सबके जीवन में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। माँ हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर माँ अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री माँ का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सोच रहा था हम माँ को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है।
मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को #plantformother और #1पेड़ मां के नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के चुटिया में कार्यकर्ताओं संग देखा और सुना। बात कार्यक्रम की आज लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरुआत हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के चुटिया में कार्यकर्ताओं संग मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। जहाँ कई परंपराओं और विधि विधान यूनिट की भी स्थापना करता है। अब ये लोग इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायक और उत्साह बढ़ाने वाला होता है। देश दुनिया के लोग बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। ने मन की बात सुनी, बहुत प्रेरणादायक, बहुत उत्साहवर्धक, और हम कह सकते हैं कि मन की बात करोड़ों लोग देश में नहीं दुनिया भर में लोग इंतजार करते कि मन की बात प्रधानमंत्री जी कब करने वाले हैं। और लंबे अंतराल के बाद आज देश की जनता का लगाव प्रधानमंत्री जी से। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है, जिससे सबों को जुड़ना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए, जल जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में उन्होंने भी रांची में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की है, जिसका इस वर्ष भी आयोजन होने जा रहा है। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। खेल और खिलाड़ी को बढ़ाने के लिए सांसद खेल महोत्सव की हम सबको निर्देश दिया था, जो कि पूरे देश भर में सांसदों ने सांसद खेल महोत्सव कराया था। हमने भी रांची में खेल गांव में करा, जिसमें हजारों हजार रांची लोकसभा से खिलाड़ी भाग लिए। इस दौरान पद्मश्री मुकुंद नायक समेत कई गणमान्य लोग और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के पलमा लेडवा केंद्र में ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम को जगह जगह लोगों ने समूह में बैठकर सुना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के पलमा लेडवा केंद्र में ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। अपने कर्तव्यों का पालन करता है, हर जीवन का एक लक्ष्य होता है, हर कोई। इस दौरान श्री मरांडी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से देश भर में हो रहे रचनात्मक कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही इस कार्यक्रम से कुछ नया कुछ विशेष करने की प्रेरणा भी मिलती है। और आज के दिन तो महत्व का दिन है, आप सब लोगों ने जाना, देश के प्रधानमंत्री ने भी वहीं से शुरू किया 1855 30 जून भूल दिवस,
तो आज मैं उन शहीदों का नो चांद भैरव फूलो झानो का असंख्य जो उस आंदोलन में लोग शहीद हुए उन सब लोगों को नमन करते हुए उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर अमल करते हुए वृक्षारोपण करने की अपील की। श्री मरांडी ने कहा कि वृक्षों का उपयोग करने के साथ साथ हमें वृक्ष लगाना भी चाहिए ताकि जीव जंतुओं का आश्रय बना रहे और पर्यावरण की भी रक्षा हो। एक तो ये आप सब लोगों से, उसके साथ साथ इसमें ही कई एक बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा। एक तो बड़ा महत्व की बात ही उन्होंने कहा है, वो क्या कहा उन्होंने, 5 जून पर्यावरण दिवस होता है जो समाप्त हो गया, उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ लगाया माँ के नाम एक पेड़, और उन्होंने समग्र देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि हम सबको भी माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। आज तो मानसून ब्रेक कर गया, मानसून आप आ गया है, बारिश भी हो रही है, इस मौसम में आप पेड़ लगाएंगे तो वो लग भी जाएगा। प्राणी है, पशु है, पक्षी है, उनको भी आश्रय मिलता है, वो भी धूप से बचते हैं, फल होता है वो भी खाते हैं। कहने का मतलब हम एक परिवार के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए नहीं, बल्कि जितनी भी धरती में ये प्रकृति में जो जीव है उन सब के लिए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में संथाल हूल का उल्लेख होने से ग्रामीण बेहद उत्साहित नजर आए। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री की बातों को आत्मसात करने का संकल्प जताया। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। संताल हूल क्रांति दिवस पर आज राज्य भर में सिद्धो कानू चांद भैरव को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साहिबगंज के भोगनाडीह स्थित तो उनके जन्मस्थली में दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी सिद्धो कानू चांद भैरव को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी आज साहेबगंज के भोगनाडीह पहुंचे। उन्होंने संथाल हूल के नायकों को क्रांति स्थल पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पट लगे हुए हैं, योजनाओं की विवरणी, यहाँ बकरा पालन की स्वीकृति राशि दी जा रही है। सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक हैं राजा हांसदा और उसके बाद मुख्य योजना के लाभुक हैं चांद मुर्मू। पहली किस्त 50,000 रुपए की राशि आपको प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लाभुक हैं पवन रविदास और उसके बाद अगले लाभुक होंगे बकरा विकास योजना सुनीता के। आज का हूल दिवस है, पूरा झारखंड पूरा देश में आज हूल दिवस और सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो का श्रद्धांजलि देके उनका संघर्ष का याद कर उनका प्रेरणा लेने का संकल्प का दिन है। इसीलिए आज हूल दिवस के साथ साथ ये सरकारी कार्यक्रम भी है, परिसंपत्ति वितरण होगा, कुछ योजना हम लोग शिलान्यास किया, कुछ उद्घाटन किया और कुछ परिसंपत्ति भी बांटेंगे हम लोग। ये सरकार जो हेमंत बाबू का जनादेश आप लोग 2000 में दिया था, ये यहाँ की झारखंड की हर आदिवासी मूलवासी दलित गरीब गुरबा अल्पसंख्यक के लिए हर तरह का उन्हीं का आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो आवेदन दिया है आप लोग उसका अनुरूप है हम लोग योजना बना दिया है। ये शुरुआत हेमंत बाबू ने किया था। इधर हूल दिवस के अवसर पर दुमका में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हूल क्रांति के नायकों सिद्धो कान्हू को नमन कर उनके योगदान का स्मरण किया। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में कृतज्ञ लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के पूर्व मेयर सह भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने भी संथाल हूल के नायकों को नमन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इस दौरान श्री मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। नागेश कुमार, आई नाउ रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी टू रिलीज द बुक सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अ फोटो क्रॉनिकल कंपाइल्ड बाय डॉक्टर आईवी सुब्बाराव गारु, फॉर्मर सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। May I now request our Honorable Prime Minister to release the pictorial biography in Telugu titled Mahaneta, Life and Journey of Sri M. Venkaiah Naidu, authored by Sri Sanjay Kishore. 1 जुलाई को वेंकैया नायडू जी का जन्मदिन है। उनकी जीवन यात्रा को 75 वर्ष हो रहे हैं। ये 75 वर्ष असाधारण उपलब्धियों के रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज रांची में रेलवे के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक कर रेल सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की। केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के साथ ही रांची सांसद संजय सेठ विकास और जन कल्याण के कार्यों पर लगातार फोकस कर रहे हैं। उन्होंने इस कड़ी में आज रांची रेलवे स्टेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में रांची रेल मंडल के DRM जसमीत सिंह बिंद्रा और अन्य अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि रांची और हटिया रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा अन्य स्टेशनों को भी विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो वादे किए थे और वादा धरातल पर उतर रहा है। आप देखो विश्व स्तरीय स्टेशन, प्रधानमंत्री जी की सोच और विश्व स्तरीय स्टेशन। पहले प्लेटफार्म गंदे रहते थे, ट्रेन में डब्बे गंदे, वॉशरूम गंदे। अब आप देखो 330 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन, लगभग 280 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन, फिर इसी तरह पिस्का स्टेशन, उसके बाद टाटी सिलवे, नामकोम, गंगा घाट, मूरी, सिल्ली, इन सभी स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा, विश्व स्तरीय बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुटिया वासियों की पुरानी मांग के मद्देनजर केतारी बागान और पावर हाउस फ्लाईओवर निर्माण को लेकर पहल की जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद ने विश्वास दिलाया कि रेलवे के क्षेत्र में 1 साल के अंदर तस्वीर बदलेगी। और ये अभी बहुत दिन से डिमांड थी चुटिया वासियों की कि केतारी बागान और पावर हाउस, मेरा भी यह संकल्प था, हमने भी वायदा किया था चुटिया की जनता से कि ये जो फ्लाईओवर है ये बहुत पहले बन जाता, किंतु उस समय बहुत सारे घर टूट रहे थे। हमने कहा बिना घर टूटे आप प्लान करो। अभी प्लान आ गया है, अब नॉमिनल किसी का हल्का सा छज्जा जाएगा वो भी कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी भरोसा जताया कि रेलवे से जुड़े सभी कार्य जल्द पूर्ण हो जाएंगे जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। मेरे क्षेत्र की जो जैसे नगड़ी में एक अंडरपास की मांग रखी थी नगड़ी महतो टोली का, आज उन्होंने इस बात को रखा, बहुत जल्दी उसका टीम सर्वे करने जाएगी। हटिया में जो पीछे में गनियोर टोली, गिरजा टोली, गढ़ा टोली घनी आबादी का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को अंडरपास बना के कैसे सुविधा दिया जाए। इस दौरान रेलवे मंडल के DRM जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि रांची रेलवे स्टेशन का काम तेजी से हो रहा है, 1 साल के अंदर सभी काम पूरा हो जाएगा। हटिया स्टेशन का कार्य भी बहुत जल्द पूर्ण होगा। जी आप देख ही रहे हैं कितनी प्रगति से काम चल रहा है, रांची स्टेशन का आपकी आंखों के सामने ही है, बहुत स्पीड से काम चल रहा है, इसको दिसंबर तक खत्म करने का प्रयास करेंगे। बाकी हटिया स्टेशन का जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, इसका भी टेंडर अभी जारी हुआ था और LOA इशू हो गया, उस पर भी जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा जो हमारे अमृत स्टेशन 15 बनने वाले हैं इस रांची डिवीजन में, उन पे भी काफी प्रगति से काफी स्पीड से काम चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा रेल सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। रांची और आसपास के स्टेशनों का कायाकल्प होने से इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। देश में कल से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। नए आपराधिक कानून पर धनबाद में पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। देश में कल से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। धनबाद में प्रशिक्षण आयोजित कर पुलिस कर्मियों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कुल 3 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। आप लोग को जानकारी है ना कि 1 जुलाई से नया लॉ लागू होने वाला 3 नया कानून है, इसी के संबंध में हम लोगों ने ट्रेनिंग चालू कर दिया है। और आपको पता होगा कि ये लास्ट बैच चल रहा है, 3rd बैच, और ये जो बैच है जिसमें सभी आयु को ट्रेनिंग दी जा रही है, ASI से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के हमारे पुलिस पदाधिकारी, इसके अलावा डॉक्टर्स भी हैं इसमें, और कोर्ट से APP साहब लोग भी हैं, इसके अलावा रेलवे पुलिस के भी लोग हैं, हमारे साक्षर पुलिस लोग भी हैं, इन सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह अभी लास्ट बैच है, इसके बाद भी लगातार ट्रेनिंग चलती रहेंगी क्योंकि नया कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है और हमारे आयोज को और हमारे पुलिस पदाधिकारियों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारियों को विधि विज्ञान के प्रयोग और डिजिटलाइजेशन समेत अन्य विषयों के संबंध में जानकारी दी गई ताकि वे बेहतर तरीके से कानूनों पर अमल कर सकें। लेकिन अब क्या है कि अब केस के मेरिट के हिसाब से अनुसंधान करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अधिकतम 90 दिनों तक अनुसंधान कम्प्लीट कर लेना है। अगर पोक्सो और महिला संबंधित अपराध है तो आपको 60 दिन के अंदर अनुसंधान कम्प्लीट कर लेना है। इस प्रकार से लोगों को न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है ताकि समय पीड़ित को न्याय मिल सके। देश में 3 नए कानून से न्याय व्यवस्था को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। ये कानून अधिक व्यवहारिक और सरल है तथा इसमें दंड की बजाय न्याय को स्थापित करने पर अधिक फोकस है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नए कानूनों के संबंध में जागरूकता के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस कड़ी में पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर जिले के पुलिस पदाधिकारियों को नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नए कानून में परिवर्तनकारी न्यायिक सुधार पर भी खास जोर दिया गया। नए आपराधिक कानूनों में परिवर्तनकारी न्यायिक सुधार किए गए हैं जो जनता के लिए बेहतर भविष्य को आकार देते हैं। नए आपराधिक कानूनों में त्वरित न्याय हेतु शीघ्र समाधान के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। साथ ही हर चरण पर सख्त समय सीमा का पालन करने के निर्देश बनाए गए हैं। इसके साथ ही नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक संचार और कार्यवाही के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और भौगोलिक सीमाओं से परे न्याय तक ऑनलाइन पहुंच को भी ध्यान में रखा गया है। नए कानूनों में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और न्याय वितरण में कानून प्रवर्तन की भूमिका को मजबूत किया गया है। नए कानूनों के तहत जिला अभियोजन निदेशालय की स्थापना की गई है जो प्रभावी कानूनी कार्यवाही के लिए स्थानीय अभियोजन को मजबूत और त्वरित निपटारे के लिए मामले की निगरानी करेगा। नए आपराधिक कानूनों में अदालतों को सामुदायिक सेवा कराने का अधिकार भी दिया गया है और इसके ही नए कानूनों में पीड़ितों को 90 रोज के भीतर जांच की जानकारी देने का प्रावधान भी है। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पीड़ित की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही प्रभावी न्याय के लिए त्वरित कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए 90 दिनों के भीतर घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करने का प्रावधान है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गुमला जिला शाखा के तत्वावधान में आज स्थानीय पुलिस केंद्र स्थित कमांड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने खुद रक्तदान कर शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सबों ने रक्तदान को महादान बताते हुए इसके लिए अन्य लोगों को प्रेरित किया। तत्पर रहती है, हमें सर्विस देने के लिए तत्पर रहती है। उसी प्रकार आज पुलिसकर्मी जो है रक्तदान करके भी जो हमारे मरीज हैं जिनको रक्त की आवश्यकता होती है
उनको जीवन दान देने का एक प्रकार से प्रयास करेंगे और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि रेड क्रॉस के द्वारा इस प्रकार की गतिविधि निरंतर होते रहे। जानकारी मौसम से। राज्य के पूर्वी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती प्रवाह शिफ्ट कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार हैं। कल और परसों राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 3 जून को भी उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तापमान की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में संथाल हुल दिवस का किया जिक्र। पर्यावरण रक्षा पर दिया जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया प्रेरणादायक। हुल क्रांति दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज को दी कई योजनाओं की सौगात। परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रेल सुविधाओं के विस्तार पर रांची में DRM और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। यात्रियों को जल्द मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा। और राज्य के पूर्वी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में शिफ्ट हुआ चक्रवाती प्रवाह। 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। न्यूनतम तापमान में और होगी गिरावट।